लौंग का इस्तेमाल हम एक औषधि के रूप में करते हैं क्योंकि लौंग सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना गया है। लेकिन अगर आप लौंग का सेवन दूध में मिलाकर करेंगे तो इससे आपके शरीर को कई फायदे मिलेंगे। कोरोना काल में शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है और लौंग वाला दूध आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखता है। अगर आप रोज़ाना दूध में केवल 2 लौंग ही मिलाकर सेवन करेंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी और आपके शरीर को कई रोगों से छुटकारा मिलेगा। दरअसल लौंग में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और इसके अलावा लौंग में पोटेशियम, आयरन, फाइबर, ओमेगा 3 और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लौंग के नियमित सेवन से शारीरिक क्षमता बढ़ती है और शरीर मजबूत बनता है। ऐसे में आज आपको लौंग वाले दूध के फ़ायदे बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हर दिन दूध में 2 लौंग मिलाकर पीने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखा जा सकता है क्योंकि दूध में पोटेशियम और मैग्नीशियम, मिनरल्स और कैल्शियम जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं और इसके अलावा लौंग में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाले गुण पाए जाते हैं। यही वजह कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है उन्हें लौंग वाला दूध पीने की सलाह दी जाती है। ये इम्यूनिटी को मजबूत करता है। एक बार फिर से बढ़ते कोरोना के बीच शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आपको दूध में लौंग मिलाकर पीने की सलाह दी जाती है जिससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। लौंग में पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम होता है जिससे शरीर में एनर्जी बनी रहती है, जबकि दूध में प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर पाया जाता है। और यही वजह है कि दोनों का सेवन करने से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत बनती है। ये पाचन तंत्र को भी बेहतर रखता है। लौंग और दूध का सेवन करने से शरीर का पाचन तंत्र मजबूत बनता है। रात को हर दिन 1 गिलास दूध में 2 लौंग मिलाकर पीने से पेट साफ होता है जिससे शरीर का पाचन तंत्र बेहतर रहता है। इसलिए रात को सोने से पहले लौंग वाला दूध मिलाकर पिएं। कब्ज और गैस से राहत मिलती है। कब्ज और गैस से छुटकारा पाने के लिए लौंग वाला दूध पीना चाहिए। अगर किसी को गैस बन जाती है तो उसे दूध में लौंग मिलाकर पिएं। लौंग वाला दूध पीने से भोजन को पचाने में आसानी होती है, इसलिए अगर किसी को गैस और कब्ज की परेशानी है तो उसे दूध में लौंग मिलाकर जरूर पीना चाहिए। ये पुरुषों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूध में लौंग मिलाकर पीने से पुरुषों का शरीर मजबूत बनता है। दोनों का सेवन करने से शरीर में कैल्शियम की कमी दूर होती है और रोजाना दूध और लौंग का सेवन करने से हमारे शरीर की कमजोरी दूर होगी और शरीर को ताकत मिलेगी। इसलिए पुरुषों को भी दूध में लौंग मिलाकर पीने की सलाह दी जाती है। गले के लिए लौंग और दूध का सेवन बहुत फ़ायदेमंद है। ठंड के दिनों में अक्सर गले में खराश या कफ की समस्या हो जाती है। आपको गले की खराश दूर करने के लिए भी आप रात के समय दूध में लौंग मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में एनर्जी की कमी है तो आपको दूध का लौंग का सेवन करना चाहिए। इसका सेवन करने से शरीर में मौजूद हानिकारक तत्व शरीर के बाहर निकल जाते हैं और दूध में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम इसकी मात्रा मौजूद होती है जिससे शरीर की एनर्जी बनी रहती है। ओरल हेल्थ के लिए भी दूध और लौंग का सेवन फ़ायदेमंद है। मुंह की बदबू दूर करने के लिए दूध और लौंग का सेवन करें। दूध में कैल्शियम मौजूद होता है। आप इसका सेवन करेंगे तो आपके दांत भी मजबूत बने रहेंगे। लौंग का सेवन करने से पुरुषों में कई तरह की पौरुष संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं और यह शक्तिवर्धन कार्य भी करता है। लौंग का नियमानुसार और नियमित सेवन करने से शीघ्र पतन जैसी दिक्कतों से पुरुषों को मुक्ति मिलती है जिससे आपकी सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी रहती है। लौंग का सेवन करने से पुरुषों में स्पर्म काउंट बढ़ाने में मदद मिलती है और पुरुषों को पौरुष शक्ति संबंधी परेशानियों से मुक्ति दिलाने के साथ ही लौंग महिलाओं में सेक्स इच्छा की वृद्धि करने में भी मददगार है। तो दोस्तों, ये थे लौंग और दूध के फ़ायदे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।